संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी पद्मावत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले चार दिनों में ही 114 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। आगे जानें पद्मावत के 10 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में। पहला रिकॉर्ड, इस साल अब तक जितनी भी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं वो ना तो कमाई कर पाई हैं और ना ही दर्शकों का दिल जीत पाई हैं। ऐसे में पद्मावत ने पहले दिन 19 करोड़ की कमाई कर इस साल की सबसे बड़ी ओपन फिल्म होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। दूसरा रिकॉर्ड, पद्मावत रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपन फिल्म भी बन गई है। रणवीर सिंह ने इस फिल्म में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया है। उन्होंने अपने किरदार को जिस तरह से निभाया है उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। इससे पहले रणवीर की फिल्म गुंडे उनकी सबसे बड़ी ओपन फिल्म थी जिसने 16.12 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन पहले दिन 19 करोड़ रुपए कमाकर ये फिल्म उनकी सबसे बड़ी ओपन फिल्म बन गई है। तीसरा रिकॉर्ड, पद्मावत बतौर निर्देशक संजय लीला भंसाली की भी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। इससे पहले गोलियों की रासलीला रामलीला भंसाली की सबसे बड़ी ओपन फिल्म थी जिसने पहले दिन 15.35 करोड़ की कमाई की थी। विवादों के बावजूद इस फिल्म ने भंसाली को खुशियां मनाने का मौका दे दिया है। चौथा रिकॉर्ड, ये फिल्म शाहिद कपूर की भी सबसे बड़ी ओपन फिल्म साबित हुई है। इससे पहले शाहिद कपूर की सबसे बड़ी ओपन फिल्म शानदार थी जिसने 13.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म में शाहिद कपूर ने राजा रतन सिंह रावल का किरदार निभाया है। पांचवा रिकॉर्ड, रणवीर और दीपिका की जोड़ी के तौर पर भी इस फिल्म ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म इस जोड़ी की भी सबसे बड़ी ओपन फिल्म साबित हुई है। छठा रिकॉर्ड, फिल्म देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धमाकेदार कमाई कर रही है और फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसने पहले दिन ऑस्ट्रेलिया में दंगल और बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया था। पद्मावत ने गुरुवार को पहले दिन 367,984 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 1.88 करोड़ रुपए कमाए, जबकि दंगल ने रिलीज के पहले दिन 2,47,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और बाहुबली 2 ने 2,12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कमाई की थी। सातवां रिकॉर्ड, यही नहीं फिल्म नॉर्थ अमेरिका में भी धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म ने 27 जनवरी को सिंगल डे पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आठवां रिकॉर्ड, ये फिल्म शाहिद कपूर के लिए भी बेहद खास साबित हो रही है। पद्मावत शाहिद की पहली 100 करोड़ी फिल्म बन गई है। साथ ही ये फिल्म शाहिद की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। नौवां रिकॉर्ड, इन सबके अलावा पद्मावत ने ऑस्ट्रेलिया में दिलवाले बाजीराव मस्तानी सुल्तान टाइगर जिंदा है और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को अपने ओपनिंग वीकेंड में ही तोड़ दिया और 8.88 करोड़ रुपए की दमदार कमाई कर ली है। दसवां रिकॉर्ड, पद्मावत सिर्फ हिंदी में रिलीज होने वाली फिल्मों के मामले में यूएसए और कनाडा में भी सबसे बड़ी ओपन फिल्म बन गई है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 1.20 मिलियन डॉलर की कमाई की और आमिर खान की फिल्म धूम 3 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।